सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर। टाटा मोटर्स को लेकर आपको क्यों सावधान होना, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा अभी, टाटा मोटर्स को लेकर सावधान। पहली बार हुआ है भाई ऐसा? जी हाँ, पहली बार हुआ। क्या हुआ है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और कंपनी को एक बड़ा नोटिस भी मिला, एक बड़ा ऑर्डर मिला है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे भी क्या है पूरा मामला। उसके बाद भी स्टॉक में आप लोग देखोगे पॉजिटिव मोमेंटम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक में तेजी बरकरार है। और लॉन्ग टर्म में हमें ऐसी छोटी मोटी बातों से परेशान भी नहीं होना, ऐसी छोटी मोटी बातें आती रहती हैं अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल, दस साल के लिए, तो यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या खबरें हैं। स्टॉक को मैंने काफ़ी टाइम पहले, आप लोग देखोगे 600 की रेंज में, 500 की रेंज में, आज स्टॉक पहुँचा हुआ है 1027 की रेंज में, तो काफ़ी शानदार तेजी बनी है। तो चलिए भी देख लेते हैं सबसे पहले जो खबरें आई हैं आखिरकार वो क्या है, और उसके बाद इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। अभी इसके रिजल्ट्स बाकी है, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े आए हैं, जो डाटा आया है, वो थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है। तो 10 तारीख को तैयार रहना, कंपनी अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज करेगी, साथ में देने वाली है अब फिर डिविडेंड। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो खबरें हैं वो। भाई सबसे पहले आप लोग देखो, जो खबरें हमें देखने को मिली हैं वो देर रात को आते हुए नज़र आई थी, और जिसका इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिल रहा है वो तो देखो भाई आपको पता ही है, लेकिन है तो नेगेटिव न्यूज़ ही। पहली जो दो खबरें आई हैं वो जो थर्ड है उसके अंदर भी आप लोग देखो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहले कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर कोई वो वाला ऑर्डर नहीं है भाई जो कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिला हुआ किसी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए या फिर ईवी व्हीकल्स के लिए, ऐसा नहीं है। ये जीएसटी ऑर्डर मिला है कंपनी को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ऑर्डर पास्ड ऑन अप्रैल 29th 2024 एंड रिसीव ऑन 1st मई, तो 1st मई को इनको रिसीव हुआ टाटा मोटर्स को। ये जीएसटी से रिलेटेड है, आप लोग देखोगे सेंट्रल जीएसटी से रिलेटेड ऑर्डर है। तो चलिए भी जानने की कोशिश करते हैं, उत्तर प्रदेश से कंपनी को मिला है, यूपी से, तो जानने की कोशिश करते हैं भी क्या कुछ है। यहाँ पर देखोगे भी कंपनी को ऑर्डर जरूर मिला है, और यहाँ पर जो बोला गया है कि इनको टैक्स देना है भी 115,36,47,240 का। इसके ऊपर जो पेनल्टी वगैरह लगी वो 97,09,12,749 की। तो ये खबर आती हुई नजर आई है, 200 करोड़ के ऊपर का कंपनी को ऊपर जो अभी आप लोग देखोगे टैक्स लगा है, जीएसटी वगैरह है, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये कंपनी को ऑर्डर देखो भाई 29 तारीख को निकला और 1 तारीख को रिसीव हुआ, और जैसे रिसीव हुआ कंपनी ने इसके बारे में यहाँ पर बता दिया है। तो इसके ऊपर क्या एक्शन लगी कंपनी, वो बात की बात है। चलिए अब दिखाते एक और खबर, दूसरा भी आप लोग देखोगे भी जीएसटी ऑर्डर से रिलेटेड ही है, और ये भी कंपनी को जो 30 तारीख को ऑर्डर पास हुआ था, 1 तारीख को रिसीव हुआ टाटा मोटर्स को, सेल्स टैक्स ऑफिसर क्लास 2nd। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अब की बार फिर जो ना भी ये देखो यहाँ पर 14,25,68,173 का है टैक्स, और उसके बाद जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर वो 9,14,15,704 का, और जो पेनल्टी लगी है इसके ऊपर वो लगभग 1,42,56,815 का। तो ये टोटल अपडेट्स है, दो टैक्स नोटिस कंपनी को मिलते हुए नजर आए हैं। इसके बाद आप लोग देखोगे जो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आई है वो है भाई हैरान कर देने वाली। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है वो यहाँ पर कंपनी ने मेंशन की है भी अपनी मंथली सेल्स, ठीक है। और मंथली सेल्स आप लोग देखोगे पहली बार ऐसा हुआ है जिसको लगे थोड़ा सा टेंशन यहाँ पर हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ऐसा होता रहता है। टोटल जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स इसकी हुई है वो लगभग आप लोग देखोगे 29,538 यूनिट्स, यानी कि 31% ईयर टू ईयर ग्रोथ आते हुए नजर आई है। और जो टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स इसने की है वह 47,983 की, जो कि लगभग 2% इंक्रीज हुई है ईयर टू ईयर। टोटल आप लोग देखोगे जो सेल्स हमें देखने को मिली है 77,521 यूनिट्स के, ठीक। तो ये अप्रैल मंथ का डाटा कंपनी ने मेंशन किया है भाई, ठीक है, जो कि सेम क्वार्टर में आप लोग देखो, सेम मंथ में आप लोग देखोगे प्रीवियस मंथ ईयर अप्रैल 2023 में 69,599 यूनिट्स थी, तो वहां से इंक्रीजिंग। तो आप लोग देखोगे भाई जो डोमेस्टिक सेल्स है इसके अंदर लगभग 12% का इंक्रीजिंग हमें देखने को मिला ईयर टू ईयर,
ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे जो एच सी वी ट्रक्स है, आई एल एम सी वी ट्रक्स हो गए, इनके जो ये यूनिट्स हैं इनके अंदर आप लोग देखोगे पैसेंजर कैरियर हो गया, इसके अंदर 118% की ग्रोथ, ग्रोथ सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी है। टोटल कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर 31% की ग्रोथ आते हुए नजर आई, बहुत अच्छी बात है। पैसेंजर व्हीकल्स की अगर बात करें तो आप लोग देखोगे दो सेगमेंट्स में बांटती है कंपनी जिसे, टोटल पैसेंजर व्हीकल्स में ईवी और आप लोग देखोगे भी नॉन ईवी। तो यहाँ पर आप लोग देखो पैसेंजर व्हीकल्स की जो टोटल सेल्स है वो 2% से इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव अपडेट है वो ये है कि पैसेंजर व्हीकल में जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल है वो 2% टूटी है। जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवी सेल्स हमें टूटते हुए नजर आई है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर निकलते हुए आया है। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, परेशान नहीं होना है, ऐसे जो माहौल है वो बनते रहते हैं। तो महीने का आया भाई, अभी आगे रिजल्ट आएंगे ना जून क्वार्टर के, वहाँ पर देखेंगे। अभी तो कंपनी के आप लोग देखोगे मार्च क्वार्टर के फिर ईयर एंडेड रिजल्ट भी आ रहे हैं 10 तारीख को, तो तैयार रहना, जबरदस्त आएंगे। पीछे के हिसाब से भी आप लोग देख लेना और आगे भी कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगी। इस महीने का थोड़ा सा ईवी से रिलेटेड जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डाउन गया है और बाकी सब ठीक है, तो 10 तारीख को तैयार रहना भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ से अगर बात करें टारगेट की, तो ये स्टॉक आप लोग देखोगे हमें ऊपर में 1500 से 1600 रुपये तक के मूव दिखा सकता है, अगर ये क्वार्टर फोर के जो आंकड़े आएंगे ना इसके मार्च क्वार्टर के उसके बाद। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।